हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज पहला नवरात्र है दोस्तों। दुर्गा द लाइव की तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज की मेरी रेसिपी है आलू का हलवा, जो कि बहुत ही टेस्टी है। कम सामान में और झटपट बना के इसे तैयार करेंगे। कई बार बनाया होगा दोस्तों, आप मेरी आज की इस रेसिपी को ज़रूर देखिएगा और देख के बनाइएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं व्रत के लिए ये आलू का हलवा। तो यहाँ पे मैं एक आलू का हलवा बना रही हूँ, भोग के लिए बना रही हूँ दोस्तों। आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो चलिए अब क्या करेंगे, इसे हम घिस लेंगे। आलू बॉयल था, थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसे छील लिया था और इस तरह से घिस लेंगे। तो बस इस तरह से आप बनाइएगा दोस्तों, बहुत ही पसंद आएगा। कई बार बनाया होगा आलू का हलवा, लेकिन मेरे आज इस तरीके से बनाकर देखिए, बिल्कुल अलग टेस्ट मिलेगा और बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही हलवे की रेसिपी कई सारी मेरे चैनल पे हैं, तो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगी। आज की मेरी रेसिपी पसंद आए दोस्तों तो भर भर के लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो देखिए, आलू मैंने घिस लिया है। अब चलते हैं कढ़ाई की तरफ। तो कढ़ाई में मैं एक बड़ी चम्मच घी डाल देती हूँ। तो बस इसे क्या करेंगे, जो हमने ड्राई फ्रूट लिए हैं, तो कुछ मखाने हैं, किशमिश, 2 से 3 बादाम थे जिसे मैंने कट कर लिया है। तो मखाने हम थोड़े से भून लेंगे, इन्हें बस हल्का सा क्रश करके डालना है। तो ये थोड़े से सीले से होते हैं, तो क्रिस्पी से हो जाएंगे, आसानी से टूट जाएंगे। हल्का सा भून लेते हैं और बहुत ही जल्दी बन जाता है दोस्तों, इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। मखानों को निकाल लिया है, फिर से इसमें एक बड़ी चम्मच घी डाल देते हैं और आलू डाल देते हैं। तो आप चाहें तो थोड़ा घी ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे कुछ अलग तरीके से बना रही हूँ दोस्तों, ऐसा बढ़िया टेस्ट आएगा। एक बार मेरे इस तरीके से बना कर देखिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। बहुत ही छोटी सी वीडियो है दोस्तों, तो आपसे सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो ये देखिए, थोड़ी देर हम इसे इतने ही घी में भून लेंगे और बहुत ही टेस्टी लगेगा दोस्तों। जब इस तरह से भून जाता है तो आलू का जो कच्चापन है वो निकल जाता है दोस्तों, इस तरह से भूनने में, और बढ़िया सा टेस्ट आता है। तो ये देखिए, 2 चम्मच मैं इसमें फ्रेश मलाई ले रही हूँ और थोड़ा सा दूध के साथ है ये मलाई, ताज़ी मलाई का यूज़ कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया लगेगा। आप इसकी जगह पे दोस्तों मावा भी डाल सकते हैं, लेकिन कभी ऐसा होता है मावा घर पे नहीं होता, तो ये मलाई तो सभी के घर में होती है, तो हलवा तो बहुत ही फटाफट बना सकते हैं। इतना टेस्टी सा हलवा और भोग प्रसाद का है, तो इसे टेस्टी बनाना तो बनता है। तो ये देखिए, इस तरह से हम अच्छे से भून लेंगे दूध के साथ में, साथ ही साथ इसमें 1 से 1.5 चम्मच यानी बड़ी 1.5 चम्मच इसमें हम चीनी डाल देते हैं। तो चीनी की मात्रा मैं बहुत ही कम कर रही हूँ दोस्तों, अगर आप चाहें तो इसे बढ़ा भी सकते हैं। और बस इसे हम थोड़ी देर दूध के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आलू के साथ जो हमने मलाई डाली है वो बिल्कुल भी दिखनी नहीं चाहिए, अच्छे से सूख जाए आलू, बहुत ही बढ़िया जो हमारा हलवा बनेगा, बहुत ही टेस्टी। तो ये देखिए, काफ़ी अच्छे से ये भुनने लगता है, क्योंकि मलाई में भी काफ़ी सारा घी होता है, और टेस्टी तो बहुत ही ज़्यादा बनेगा। एक बार इस तरह से बनाकर देखिएगा दोस्तों, और आसान तो बहुत ही ज़्यादा है, आप देख रहे होंगे दोस्तों। तो यहाँ पे मैं 1/2 चम्मच इसमें इलायची का पाउडर डाल देती हूँ और जो ड्राई फ्रूट भुने थे वो इसमें ऐड कर देते हैं। तो आप अपने मन के हिसाब से, जैसा भी आपको पसंद हो, आप ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं। और बस इसे इसके साथ थोड़ी देर और भुनेंगे और बहुत ही जल्दी ये हमारा आलू का हलवा बन के तैयार है। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में, तो लग रहा है ना बहुत ही मज़ेदार। तो भोग के लिए दोस्तों बनाया है, आप भी झटपट बना लीजिए और माता रानी को भोग लगाइए, बहुत ही बढ़िया बना है। तो ये देखिए, है ना बहुत ही आसान, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता और झटपट आप इसे बना के इंजॉय कर सकते हैं। आज की मेरी ये वीडियो आलू के हलवे की कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। लाइक कीजिएगा मेरी इस वीडियो को, शेयर कीजिएगा फैमिली और दोस्तों में। ऐसी मज़ेदार और टेस्टी झटपट सी रेसिपी देखने के लिए, अगर आपने दुर्गा द लाइव को ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और झटपट कीजिएगा। तो आप भी बनाइए ऐसा ही आलू का हलवा और भोग लगाइए माता रानी को। एक बार फिर से दुर्गा द लाइव की तरफ से आप सभी को हैप्पी नवरात्रे।